खुलताबाद शहरातील हजरत ख्वाजा शेख मुंतजबुद्दीन उर्फ जरजरी जरबख्श यांच्या 738व्या उर्साला संदल मिरवणुकीने उत्साहात सुरुवात झाली. दरगा हजरत ख्वाजा बुन्हानुद्दीन यांच्या दरगातून निघालेल्या या मिरवणुकीत वैजापूर येथील प्रसिद्ध बँड ढोल ताशांनी आपली कला सादर केली. शहरातील फर्श मोहल्ला, जुने बस स्थानक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक मार्गे जरजरी जरबख्श यांच्या दरगात ही मिरवणूक रात्री 10 वाजता पोहोचली. या ठिकाणी धार्मिक विधीत चादर चढवण्यात आल्यानंतर मैदानात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. मिरवणुकीत उरुस व्यवस्था समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार स्वरूप कंकाळ, सचिव मुख्याधिकारी विक्रम दराडे, उपाध्यक्ष एजाश अहमद, माजी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट कैसरुद्दीन मुबशीरुद्दीन कामरानुद्दीन, पोलीस निरीक्षक धनंजय फराटे, दरगा कमिटीचे अध्यक्ष शरफुद्दीन रमजानी, सचिव मसीउद्दीन आदीसह मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते. या उर्साची सांगता ईद ए मिलादच्या दिवशी होणार आहे. या दिवशी मोहम्मद पैगंबर यांचा पवित्र पोशाख व मिशीचे केस दर्शनासाठी ठेवले जातात. या दिवशी देशभरातून दर्शनासाठी लाखो भाविक येतात. यावेळी उरुस व्यवस्था समिती आणि दरगा कमिटीकडून भाविकांचे जोरदार स्वागत केले जाते. आज हजरत ख्वाजा मुंतजबुद्दीन शेख जरजरी दरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 738वां उर्स हम शान शौकत के साथ मना रहे हैं. ये संदल आज जो तो बुरहानुद्दीन करीब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से निकल कर रात 10 बजे ख्वाजा मुंतजबुद्दीन शेख जरजरी दरबख्श रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुँचे और इसके ज़मन में जो तो यहाँ पर जो इंतजाम किए गए कि पुलिस प्रशासन ने अपने जो बहुत अच्छा जो इंतजाम किया है, नगर परिषद ने इंतजाम किया है, तहसीलदार साहब ने इंतजाम किया है और जो सब जाहिरों से हम गुजारिश करते हैं कोई यहाँ पर आए और जो तो स्वाब जारी हासिल करें और आने वाले सभी लोगों का हम इस्तेमाल करते हैं तो कानून का जाएगा सबसे अलग जाएगा. हजरत ख्वाजा शेख मुंतजबुद्दीन दरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 738वां उर्स मनाया जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन, तालुका प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी ने जो इसकी कोशिश की, अपने इंतजाम किए हैं. दरगाह कमेटी हस्तकला और उर्स मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से पूरे प्रोग्राम का इनका किया जा रहा है. इसके आयोजन की जो कमेटी है इसमें जो है तो मुशायरा, मुस्लिम दंगल, सेमिनार, जैसे सीरत उन्नबी तमाम प्रोग्राम होंगे. इसके अलावा धार्मिक जो प्रोग्राम है हमारे चिरागंग शव इसलिए समा इसका आयोजन भी किया गया है. कमेटी की ओर से हम सभी आने वाले भाविकों का स्वागत करते हैं. सबसे विनती है कि वो पूर्ण तरीके से आए, आराम से आए, इससे फायदा है. या देशामध्ये राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता आवाज
शेख साहब विविध अपना जैसा कसा सामने विविध डिपार्टमेंट से लोकानी एम एस सी बी असो को सर्व नगरपालिका सरकार ने आता अपनी कामगिरी जबाबदारी स्वीकार है और हा ऊस महोत्सव शांतत कायदा सुव्यवस्थे रक्षण करून शांतत साजरा करण्यात येणार आहे। जय हिंद। दरगाह का खादिम निजावर इमाम हूँ मोहम्मद सलाहुद्दीन मोहम्मद मसीहुद्दीन। ये दरगाह जो है ये हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजीबुद्दीन जरदरी जरबख्श दुल्हा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की है। ये बुज़ुर्ग आज से 750 बरस पहले यहाँ तशरीफ लाए थे, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। हजरत का विसाल होकर 738 साल हो गए हैं। 738वां उर्स ये मेला चल रहा है। ये हजरत का नाम हजरत ख्वाजा मुंतजीबुद्दीन शेख है और आपकी पैदाइश हरियाणा के एक मकाम हासी में हुई है। आप जो है निज़ामुद्दीन महबूब-ए-इलाही दिल्ली में जो है उनके शिष्य उनके शागिर्द हैं। उनके कहने पर उनके पास तालीम हासिल की। उनके कहने पर 17 साल की उम्र में आपने 700 पालकी के साथ दक्कन महाराष्ट्र की तरफ यहाँ पर कूच किए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लोगों को सही रहना सहना और सारी चीज़ें जो थी वो सिखाई और यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर करी। 17 साल आप यहाँ रहे, उसके बाद आपका विसाल हो गया आपको। उसके बाद से टोटल आपकी उम्र 34 साल है। आपकी पैदाइश जो हुई थी हमारे सन हिजरी के हिसाब से 645 साल हिजरी, उसमें आपकी पैदाइश हुई और 709 साल की हिजरी में आपकी टोटल कुल उम्र उनकी 34 साल थी। 34 साल आप यहाँ रहे और यहाँ पर यहाँ लोगों के साथ अच्छा रब किया, कैसा जीना कैसा खाना पीना रहना ये सारी चीज़ें सिखाई। लोग इनके पास आते थे, इनसे इल्म हासिल करते थे और इन्होंने लोगों का जो है खाने पीने रहने का जो भी इनसे अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हुआ वो इंतज़ाम किया। इस तरीके से जो है 738 साल उसका हो गया है, 738वां साल उस चल रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हर मजहब और मिल्लत के लोग आते हैं, यहाँ पर बाबा से फैज हासिल करते हैं, यहाँ पर फातिहा पढ़ते हैं, मेला लगता है, महीना भर मेला चलता है और इसी महीने में रबी अव्वल की 12 रबी अव्वल जो हम कहते हैं 12 वफ़ा जिसको कहते हैं आमतौर पर 12 रबी अव्वल की तारीख होती है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन साल का दिन है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर बैराहान मुबारक और मोए मुबारक है जो इनके बड़े भाई हजरत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह 21वें ख्वाजा जिनको कहते हैं यहाँ पर वो ज़ियारत कराई जाती है 12 रबी अव्वल के दिन भर। 11 रबी अव्वल की रात से शुरू होती है तो 12 रबी अव्वल की सुबह तक ये ज़ियारत चलती है, रात तक 12 रबी अव्वल की रात तक ये ज़ियारत चलती है। लाखों का मजमा आता है यहाँ ज़ियारत करते हैं। हुकूमत की तरफ से और सारे हमारे खुदामीन की तरफ से हमारी कमेटी की तरफ से सारे इंतजाम होते हैं। यहाँ पर आने जाने की सहूलत के लिए बसों का इंतज़ाम है, ठहरने के लिए इंतज़ाम है, लॉजेस वगैरह है और बहुत सारी जगहें जो हैं लोगों के ठहरने और आराम के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। इस तरीके से लोग यहाँ पर आके आते हैं। बड़ा जो है हिंदुस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मेला माना जाता है जिसमें सारे मजाहब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और यहाँ पर एकता का प्रतीक है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मेला जो रहता है ये महीना भर चलता है। अमोल काळे, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर।